टेस्ट और T20 दोनों अलग क्रिकेट के फॉर्मेट्स हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग भी। हालांकि कई लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मगर ये सेम नहीं है, बहुत डिफरेंट है। एक तरफ इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है सेफर रिटर्न्स के लिए, दूसरी तरफ स्टॉक ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में हाई प्रॉफिट्स बट विद हायर रिस्क्स वाली अप्रोच है। ऐसे ही डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दोनों अप्रोचेस में आप किन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे ये भी डिफर करेगा और दोनों के रिटर्न रेंज में भी डिफरेंस होगा। इन्वेस्टिंग यूजुअली रिटायरमेंट, एजुकेशन या फैमिली प्लानिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक गोल्स के लिए करी जाती है, वहीं ट्रेडिंग का इमीडिएट गोल मार्केट की मिस प्राइसिंग से प्रॉफिट मेकिंग करना होता है, बहुत सिंपल डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए इनिशियली फंडामेंटल एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है और ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस वो भी रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए करना बहुत जरूरी है। इसलिए ट्रेडर को भी ACP प्रद्युमन की तरह रहना चाहिए कि क्या मार्केट में कुछ गड़बड़ है। ट्रेडिंग भी कई टाइप्स की होती है डिपेंडिंग ऑन योर टाइम ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग पोजिशन। पोजिशन, स्विंग, डे एंड स्कैल्प ट्रेडिंग इसी के कुछ टाइप्स हैं। वही इन्वेस्टिंग में भी वैल्यू या ग्रोथ इन्वेस्टिंग अप्रोच डिटरमाइन करती है हाउ ऑफन यू हैव टू मॉनिटर द मार्केट एंड चेंज योर इन्वेस्टमेंट्स। अब किसके लिए क्या सूटेबल है ये आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, टाइम हॉरिजॉन, इन्वेस्टमेंट एक्यूमेंट जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट वो ना आने वाले ना ऑल दीज आर सब्जेक्ट टू रिस्क टू मार्केट रिस्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी रिस्क एपिटाइट और रिस्क टॉलरेंस कितनी है। वैसे भी इट शुड ऑलवेज बी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। टीम में द्रविड़ और सहवाग दोनों का होना जरूरी है ना भाई। अरे अब फर्क पता चल गया है तो फिकर कैसी। तो ऐसी रील्स के चक्कर में उंगलियों को कष्ट देना बंद करो और शाम को ऐप पर जाओ, मार्केट्स के अनदेखे सच को देखकर अपने पैसे को काम पे लगाओ और अपनी ट्रेडिंग के सपने को सच कर जाओ।